हाय फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, कल जैसे हम वीडियो में बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज वाला आया था, तो न्यूज़ वाले भैया लोग आए थे तो न्यूज़ कवर करते गए हैं। और अभी हम बना रहे हैं खाना। देखिए, कुकर में आलू और बैंगन की सब्जी बना रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादा हम कुकर में ही बनाते हैं बैंगन का सब्जी। तो देखिए, यहाँ पे सब्जी को काट लिए हैं और इसमें हम सोच रहे हैं टमाटर भी देंगे, क्योंकि बैंगन में आप टमाटर नहीं दीजिए ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम थोड़ा सा ही सब्जी बना रहे हैं, हम और मेरा भाई खाएगा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा क्या हुआ था ना, दिन में सब्जी खत्म हो गया था, खाना सुबह ही बनाए थे इसीलिए खत्म हो गया था, तो फिर से अभी बनाना पड़ा है। तो चावल बना लिए हैं, उधर रखा हुआ है और अभी सब्जी बनाएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग बैंगन में टमाटर देते हैं या नहीं। हम तो पहले ही देते हैं, बाद में बना सब्जी। और गर्मी कितना रहता है क्या बताएंगे, बहुत चलाते हैं, कोई फायदा ही नहीं होता है। तो फ्रेंड देखिए, क्योंकि एक टाइम ही खाए हुए थे और मतलब क्या करते, सुबह भी नाश्ता किए थे और रात थोड़ा सा लेट भी हो गया था, और ये दूध भी आ गया है, तो यहाँ पे दूध को रख दिया, गर्म करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा बर्तन है, इनको धोएंगे तभी तो इसमें दूध गर्म करेंगे। सो गुड इवनिंग फ्रेंड, देखिए अभी इवनिंग है और यहाँ पे देखिए हम टेबल को अच्छा से रख दिए हैं। ये टेबल फैन आंटी से मांगे हुए थे। रूम वूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा से हम सजा दिए हैं, हमेशा तो हम साफ़ सुथरा में ही रहते हैं। अभी देखिए हम इतना धीरे बोल रहे हैं, वो बोलने का मन नहीं करता है। और किचन में देख सकते हैं आप लोग, सारा काम वाम तो हो ही गया है, बर्तन वर्तन सारा इधर धोए हुए हैं, और इतना सा बर्तन है, इनको भी जल्दी से धो के कम्प्लीट कर लेते हैं। और बाकी एक आपको चीज़ दिखाते हैं, बहुत अच्छा चीज़, देखिए कितना प्यारा चीज़ हम लाए हैं मंगा करके। ये 138 का आया है और मेरे हॉल में अभी कुछ लगा नहीं था, इधर तो पूजा वूजा वाला है तो वहाँ पर्दा लगा देंगे। और ये देखिए, ये मंगाया है, थोड़ा सा टेढ़ा चिपक गया है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसा फ़ोटो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद है। लकड़ी में बना हुआ है तो वहाँ पे इसको चिपका दिए हैं। और इधर टेबल है, हम सोचे थे कि इस साइड देंगे बट इस साइड हम सोचे कुछ और चीज़ें देंगे, हम लोग का अपना जो फ़ोटो होगा, और इधर ये वाला दिया। धीरे धीरे हम हॉल को पूरा सजा लेंगे, हमको अच्छा लगता है। अगर बर्तन वर्तन है तो अभी सबको पूरा धो देते हैं। बाकी ये सब भी बर्तन है, पहले इसका बर्तन धो देते हैं, मन तो नहीं करता है क्योंकि पूरे दिन बारिश हुआ है तो तबीयत ख़राब हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन बर्तन सब है पहले धो के रख लिया है, और उसके बाद दूध भी गर्म करना है, दूध तो गर्म नहीं है, दूध वाला दूध दे गया था, बस रख दिए, मन ही नहीं करना है थोड़ा, मतलब ना मतलब कितना तबीयत खराब कैसा लग रहा है ना, हम बोल नहीं पाते हैं, तो ये क्या करेंगे, कौन करेगा, तबीयत खराब है तो करना ही पड़ेगा। जितिया के दिन मेहंदी नहीं लगाए थे तो देखिए आज लगाए हैं, देख सकते हैं आप लोग, तो अभी इतना ज़्यादा अच्छा से कलर हुआ नहीं है, मतलब जल्दी ही उखाड़ लिए थे, जल्दी काम करना था, बर्तन तो धोना था तो जल्दी ही हटा लिए। फाइनली फ्रेंड्स, पूरा बर्तन धो लिए हैं और यहाँ पे दूध भी हमको गर्म करना है, तो दूध को पहले छान लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ दूध में कुछ कुछ गंदा रहता है, तो उसको छान करके जिस दिन दूध को नहीं छानते हैं ना उस दिन थोड़ा सा क्या होता है, मतलब मन नहीं करता है छीले हुए का, इसलिए दूध को हमेशा छान ही देते हैं। यहाँ पे चढ़ा दिया है, पता नहीं, देखते हैं, इनके पापा से पूछते हैं चावल खाएंगे या नहीं, क्योंकि आज मुझे रोटी बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता, देखते हैं कि दाल चावल और करेला का भरवा ही बना लेते हैं, पूछेंगे नहीं तब तक अपने मन से, हम रात को चावल नहीं बनाते हैं क्योंकि ये गुस्सा करते रहते चावल क्यों बनाए। दूध को चढ़ा दिए हैं और थोड़ा बहुत काम है रूम का भी, कपड़ा अपना धोए थे उसको फोल्ड किए नहीं थे तो दूध गर्म होगा, इधर थोड़ा सा बर्तन और देखा, देखिए कितना सारा बर्तन है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, रूम में भी देखते हैं
कुछ कुछ सामान है रूम में, कपड़ा वपड़ा है फोल्ड करने के लिए, उसको फोल्ड कर देते हैं। और बारिश का मौसम है तो देखिए खिड़की का पर्दा हटा दी, क्योंकि हवा जब हमको ठंडा ठंडा हवा आता है ना रूम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए ये रूम कुछ इस तरह से है पूरा रूम, मतलब अभी टाइम आज ना तबीयत ख़राब है ना, देखिए मेकअप वेकअप भी नहीं किया तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आप लोग लड़की दे दो। और इधर देखिए कुर्सी पे कितना ज़्यादा कपड़ा है, तो इस सब कपड़ा को ना फोल्ड करके वहाँ पे रखना है। सर दर्द कर रहा है ना तो मन नहीं कर रहा रोटी वोटी बनने का, तो पूछते हैं अगर ये बोलेंगे कि हम चावल खा लेंगे तो चावल ही बना लेंगे। तो दोस्तों हमसे पूछे थे हम, तो बोले थे कि मतलब चावल खा लेंगे, तो चावल मुझे भी बनाने का मन नहीं था। यहाँ पे देखिए बन गया हमको, इसमें है चावल और इसमें है दाल। और हम ये देखते हैं आलू का मेरा फेवरेट, ये मुझे अच्छा लगता है आलू वाला तरवा। और इसमें एक देखिए कढ़ाई है, अभी भिंडी का बोल रहे थे करेला का तरवा है और परवल का, हमने तीन चार तरह का सब्जी बनाया है। और ये साइड हो गया है, पता नहीं लग रहा है कोई ये ढंग लगाया है ना, तो ये पे कोई आया है बस कोई आया नहीं है, तो मुझे खाना बन जाएगा ना, तो कल आने का टाइम हो गया है तो खाना बन जाएगा तो सही रहेगा, जल्दी से तभी दस जगह जाती थोड़ा सा आराम करेंगे, कि आएगी वो तो खाना लेना पड़ेगा। आज खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमें रोटी बनाना नहीं था और हवा भी बहुत अच्छा आता है जैसे इसी आई जैसे हमें देखी, क्योंकि इधर बहुत मस्त मस्त हवा आता है और सब दिन थोड़ी ना आता है, आज बारिश हुआ है बाहर में ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए हवा है। और अभी मेरा जो बनने वाला है उनको बंद कर देते हैं और जाए थोड़ा सा वेस्ट करेंगे पहले, फिर खाना लेंगे। बाकी सब्जी के साथ बिल्कुल भी खत्म है, सुबह जब करके सब्जी भी लगा पड़ेगा जी। अभी ये आ रहे हैं तो उसको कॉल करेंगे, उससे कॉल करके मिलेगा तो मिले, आते हैं रात के 10 बजे आते हैं, नहीं मिलेगा तो मिले हम तो आएंगे हम ले आएंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 9:30 बज रहे हैं और बताया आज हम लोग बहुत लेट जगे हैं, अभी चाय पिए हैं और ये लेट जगे हैं ये भी, तो अभी ये तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और अब हम जा रहे हैं खाना बनाएंगे। आज खाना नहीं बना पाए तो ये ऐसे ही जा रहे हैं बाड़ी खाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी बाड़ी खाते हैं। और अभी तैयार हो रहे हैं और हम जा रहे हैं, बर्तन सब सारा धुला हुआ है, पर दो कुकर गंदा है मेरा, एक में दाल बनाए थे रात में, एक में चावल और बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत खाना होगा अभी रात वाला, बट चावल बनाए थे रात में तो वो तो खाने का लायक है नहीं। अभी जा रहे खाना बनाएंगे, पूरी सब्जी सोचे तो बनाएंगे बट आज जागे तो लेट, तो इनको तो पूरी सब्जी नसीब नहीं है। सुनिए ना हम ले करके आ जाएंगे ना ऑफिस, मतलब ऑफिस नहीं मतलब आएंगे ना वहाँ पे, हम आज जाने वाले ब्यूटू मॉल, तो सोचे कि वहीं पे लेते आते, तो ये बोल रहे नहीं तो हम तो जाएंगे ही हमको, क्योंकि सामान वामान लेना है। और ये देखिए कल रात में मेहंदी लगाए थे हमको, अपना दुल्हन उल्हन टाइप का भी मेहंदी लगाने आ जाता, धीरे धीरे सीख रहे हैं तो हमको पूरा मेहंदी लगाने आ जाएगा, तब तो मेरा बल्ले बल्ले है, क्योंकि ना किसी का शादी उदी होता है कुछ को तब लोग हमको ही लगाने बोलते हैं, तो जैसे आता है वैसे लगा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं अच्छा से अच्छा लगा। खोखिया खा रहे हैं जी, इनको भी पता नहीं खांसी होकर रहता है कभी कभी, तो जा रहे अभी खाना उना बनाएंगे क्योंकि ये तो जा रहा है, पर हमको तो भूख लगेगा अभी तो बाहर खा लेंगे। भीड़ का हालात देखिए, अभी रूम में झाड़ू उड़ू नहीं लगाए जा रहे, अब लगाएंगे, पता नहीं रात पे बारिश हो रही थी ना तो पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गया। नहीं नहीं अच्छे बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, जाइए ये वाला शर्ट नहीं पहनेगा, ये वाला शर्ट नकल देखिए भींग गया था, बारिश होता है ना भींग, धो देंगे क्या आज इसको, लेकिन गंदा नहीं हुआ लेकिन बारिश में भींग गया है। सो गाइज हम एक बर्तन स्टैंड ऑनलाइन किए थे तो और देखे वो आ गया, बट दिखाया तो बहुत बड़ा था लेकिन छोटा आया है, तो इनको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। यही माया है प्लेट रखने वाला, क्योंकि इसमें रखते थे तो मिलता नहीं था जल्दी, लेकिन अच्छा है 150 रुपया का है, इसमें लगभग हम 8-10 प्लेट तो रख ही सकते हैं, अभी तो हम छोटा बड़ा सब रखे पर 8-10 थाली जो है वो आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें ये, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन कौन मंगाए हैं घर में वो भी बताइएगा।